Hello students, this is Sir Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. Agenda for this lecture is, we are going to discuss the following: define energy, kinetic energy and potential energy, calculate kinetic energy and potential energy. In this lecture we will be talking first time about energy, ki energy kise kehte hain, and kinetic energy and potential energy, these are the types of energies. And also we will be talking or solving the numerical questions related to kinetic and potential energy. So in this lecture our focus will be on the word energy. Now what is energy? Before telling the definition of energy, if I might ask you, or if I might also wonder that energy in our daily life is एनर्जी कहते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम कहते हैं कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम करने की सलाहियत है, वो थकता नहीं है, वो बहुत काम करने की सलाहियत है उसके अंदर. तो इसी चीज़ को अगर हम इसकी फिजिक्स की डेफिनेशन में कहें, सो वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. इट मीन्स दैट अ बॉडी इज हाउ मच कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, इट डिफाइन इट्स एनर्जी. इट मीन्स दैट इफ अ बॉडी कैन परफॉर्म लॉट ऑफ वर्क, इट मीन्स दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी. बट इफ अ बॉडी इज नॉट एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, इट मीन्स दैट कि उसकी एनर्जी कम होती है. अगर एक बॉडी ज़्यादा काम कर सकती है, फिर इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क, इट मीन्स कि उसकी एनर्जी ज़्यादा. बट इफ इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क, सो वी से दैट इट्स एनर्जी इज स्मॉल. So this is the definition of energy, the capability of doing work. Now its SI unit is joule. The unit of energy is same as work. The unit of work is joule, and also the unit of energy is also joule. Work ka unit bhi joule hota hai aur energy ka unit bhi joule hota hai. Okay, now types of energy. There are several types of energy, but we will talking about two types of energy. Number one is kinetic energy. Now what kinetic energy is? The energy possessed by a body due to its motion. Its SI unit is joule. It means that energy can be possessed because of its motion. So the type of energy which is possessed because of its motion is called as kinetic energy. इसका मतलब ये कि मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी बहुत तेज़ मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो मोशन की हालत में है और बहुत तेज़ मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी. इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक दरवाज़ा तोड़ा ना नहीं है, आपने तोड़ते हुए ज़रूर देखा होगा, तो होता क्या है कि बहुत तेज़ी से हम पीछे से भागते हुए आते हैं और एकदम से उस पर हिट करते हैं, ऐसा ही है. तो वो जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं जब हम भाग कर आ रहे होते हैं या जब हम मोशन की हालत में होते हैं, तो उस किस्म की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. नाउ मैथमेटिकली द फॉर्मूला इज़, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में के डॉट ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड द फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम रिप्रेजेंट्स मास एंड वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. Now the example could be running water, moving with wind. These are the examples of kinetic energy. हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस के अंदर, either in running water or in moving wind, the energy is possessed because of its motion. क्योंकि पानी का अगर फ्लो बहुत तेज़ होगा तो हमें अंदाज़ा है कि अगर इसके दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ रुक नहीं सकेगा, पानी उसको अपने फ्लो के साथ ले जाएगी. इसी तरह से मूविंग विंड, अगर कहीं बहुत तेज़ हवा चलने लगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि ये दरख्त क्या कर रहा है, अगर बहुत तेज़ हवा चलने लगे तो अक्सर दरख्त टूट भी जाते हैं. सो वो क्यों टूटते हैं? बिकॉज ऑफ द एनर्जी पजेस्ड बाय द विंड. और वो जो एनर्जी बॉडी पजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वन कुड बी रनिंग वाटर, अदर कुड बी द मूविंग विंड. नाउ द अदर टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. So the definition is, the energy possessed by a body due to its position or height. Okay, now here the definition for potential energy is little technical as compared to the kinetic energy. Now here they are saying that the energy possessed by a body because of its position or height. यानी पोजिशन और हाइट की वजह से जो बॉडी अपने अंदर एनर्जी पजेस करती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. चलें इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. फर्स्ट इट्स एस आई यूनिट इज़ जूल. इसका भी एस आई यूनिट जूल होता है. एंड मैथमेटिकली इट्स फॉर्मूला इज, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच. नाउ वेयर एम रिप्रेजेंट्स मास, जी रिप्रेजेंट्स ग्रेविटी एंड एच रिप्रेजेंट्स हाइट. नाउ लेट्स लुक टू सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.
So one example could be a stretched bow. Another could be two balls of different masses when kept at same height. तो पहले हम स्ट्रेच बो की पर बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक तीर कमान आपने देखा होगा डेफिनेटली, उसमें क्या होता है कि अगर हमें बहुत फोर्स के साथ उस तीर को आगे फेंकना होता है तो हम उसको उतना ही पीछे की तरफ खींचते हैं. यानी जितना हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जितना हम उसकी पोजीशन को पीछे लेकर आ रहे हैं, उस तीर के अंदर उतनी ही एनर्जी स्टोर हो रही है. दिस इज़ द रीज़न कि जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो मूव करता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक हमने उसको रिलीज़ नहीं करा, बॉडी अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है, और जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो तीर मूव करना शुरू कर जाता है, मोशन की हालत में होता है. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ अ स्ट्रेच्ड बो. ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जितना ज़्यादा आप तीर कमान से इस तीर को पीछे की तरफ खींचेंगे, उस तीर के अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती रहेगी. अनदर एग्जांपल कुड बी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू हाइट इज टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस व्हेन केप्ट एट सेम हाइट. तो यहाँ पे मैंने कुछ एक फिगर के थ्रू आपको बताने की कोशिश ये करी है कि आपके पास दो बॉल्स हैं डिफरेंट मासेस की. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल आपने यहाँ प्लेस करी है सेम हाइट के ऊपर, इसका मास कम है, और दूसरा को भी आपने सेम हाइट पे प्लेस की हुई है लेकिन इसका मास ज़्यादा है. जब आप इस छोटे मास को इस पानी की तरफ फेंकेंगे और इस बड़े मास वाली बॉल को इस पानी की तरफ ऊपर फेंकेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कम स्प्लैश प्रोड्यूस होगा. यानी जैसे ही पानी के ऊपर गिरेगा तो पानी ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, लेकिन उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जब हम इस बॉडी को जिसका मास ज़्यादा है और सेम हाइट के साथ अगर हम थ्रो करें तो उसके अंदर ज़्यादा स्प्लैश आएगा. ज़्यादा स्प्लैश का मतलब है कि ज़्यादा पानी की छींटें बाहर आएंगी. तो ज़्यादा पानी की छींटें बाहर आना इस बात की दलील है कि इस बॉडी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है as compared to the potential energy of this ball, because इस body का mass ज़्यादा है. और अगर आप इसके formula के अंदर देखें तो उस potential energy is किसके ऊपर ये depend कर रहा होता है, depends on two factors, one is mass and other is height. Okay, the greater the mass, the greater the height, so you can say the greater will be its potential energy. और g की value तो आपके पास constant होती है. So this is potential energy. Hopefully you have understood कि potential energy वो energy जो कि body possesses करती है because of its position or height. Now let's move forward and do some numerical questions. So I have a numerical question for you. The question is calculate the kinetic energy of a car of mass 1000 kg and moving with a speed of 72 km per hour. So here we have to find the kinetic energy of a car whose mass is 1000 kg, उसका mass 1000 kg है, और वह कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि बॉडी मोशन की हालत में है, तो डेफिनेटली द एनर्जी इट पजेस्ड इज काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे. डेटा के अंदर हम मास लेंगे जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 1000 kg. वेलोसिटी हम लेंगे 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ हियर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट द यूनिट्स. किलोमीटर पर आवर इज नॉट द SI यूनिट. द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. तो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड कर लें. सो ऑन सॉल्विंग द गिवन वैल्यू विच इज़ इन किलोमीटर पर आवर विल बी चेंज इन टू मीटर पर सेकेंड. यानी किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाती है. किस तरह से? आप उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड कर लें. ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज काइनेटिक एनर्जी. सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला. हाफ विल रिमेन द सेम, हाफ एज इट इज रहेगा. एम की जगह वैल्यू पुट कर लें 1000 और वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट कर लें 20. स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें. फिर कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप 20 का स्क्वायर ले लें, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, देन 2 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे. सिंपल है फॉर्मूला आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. एम रिप्रेजेंट्स मास, वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. प्रॉपर तरीके से वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा. सिमिलरली I have another question. In this question, we are going to calculate the potential energy. So the question is, calculate the potential energy of a body of mass 12 kg
when it is raised at a height of 50 centimeter. तो यहाँ